प्यारे विद्यार्थियों, एक बार फिर से आप सबका स्वागत है डिजिटल लर्निंग में। लास्ट डे हमने 13 क्वेश्चंस कंप्लीट कर लिए थे, तो चलिए चलते हैं क्वेश्चन नंबर 14 पे। हाउ कैन बी ग्रुप ऑब्जेक्ट्स इन कोरल ड्रॉ। कोरल ड्रॉ में हम ऑब्जेक्ट्स की ग्रुपिंग कैसे कर सकते हैं, ठीक है? अलग अलग ऑब्जेक्ट को इकट्ठा कैसे कर सकते हैं, ठीक है? एक ही ग्रुप में कैसे उनको ऐड कर सकते हैं। We can group various objects in Coral Draw with the help of following steps. ठीक है, तो आगे steps दिए हुए हैं जिनकी help से हम object की grouping कर सकते हैं, ठीक है? Practically मैं आपको दिखाऊंगा Coral Draw में कि grouping की क्यों जरूरत पड़ती है, ठीक है? First step है draw multiple objects in Coral Draw drawing page. सबसे पहले हम क्या करेंगे, बहुत सारे draw multiple objects in Coral Draw. मल्टीपल ऑब्जेक्ट्स, बहुत सारे ऑब्जेक्ट हम कोरल ड्रॉ में ड्रॉ करेंगे उस ड्रॉइंग पेज के ऊपर। नाउ क्लिक ऑन पिक टूल इन द टूल बॉक्स। उसके बाद पिक टूल से, इसकी टूल बॉक्स में जो पिक टूल दिया हुआ है उसे हम उन ऑब्जेक्ट को हम सिलेक्ट करेंगे एंड सेलेक्ट द ऑब्जेक्ट विद द माउस क्लिक और बाय प्रेसिंग शिफ्ट की दैट यू वॉन्ट टू ग्रुप, ठीक है? या तो पिक टूल से सिलेक्ट कर लो, या दूसरा एक सिंपल सा मेथड है, हम डबल क्लिक करके भी ऑब्जेक्ट को सिलेक्ट कर सकते हैं, ठीक है? उसके बाद थर्ड स्टेप है नाउ राइट क्लिक ऑन सिलेक्टेड ऑब्जेक्ट्स। तो फिर बाद में जो हम क्या करेंगे, जो भी ऑब्जेक्ट्स हमने सेलेक्ट किए होंगे उनके ऊपर राइट क्लिक करेंगे एंड सेलेक्ट ग्रुप कमांड, और ग्रुप कमांड सेलेक्ट करेंगे उसके सारे के सारे ऑब्जेक्ट्स जो हैं वो एक ही ग्रुप में ऐड हो जाएंगे, सभी ऑब्जेक्ट्स का एक ही ग्रुप बन जाएगा, ठीक है? तो इसको हम प्रैक्टिकली करके देखते हैं। ठीक है, तो हम यहाँ पे एक छोटा सा लोगो डिजाइन कर लेते हैं, बना लेते हैं, ठीक है? तो हम इसके लिए यूज़ कर रहे हैं एलिप्सिस, एक हमने यहाँ पे ड्रॉ की एलिप्सिस और सेकंड एलिप्सिस हमने यहाँ पे ड्रॉ कर ली, ठीक है? हमें चाहिए बीच में से ये वाली बर्ड चाहिए, ठीक है? ये वाली कर लीजिए ये यहाँ से। तो पहले तो हम क्या करते हैं, इनको दोनों को सिलेक्ट कर लेते हैं। सिलेक्ट के लिए हम पिक टूल से ऐसे भी सिलेक्ट कर सकते हैं, ठीक है, इस तरह से। और दूसरा मेथड है, ठीक है, दूसरा है कि हम डबल क्लिक भी करेंगे इधर तो ऑब्जेक्ट जो है वो सिलेक्ट हो जाते हैं, ठीक है? इसके बाद मान लो इन दोनों की अगर हमने ग्रुपिंग करनी है तो राइट क्लिक करके हम इस तरह से यहाँ पे ग्रुप सेलेक्ट कर लेंगे और इनका एक ही ग्रुप बन जाएगा, ठीक है? अब ये दोनों ऑब्जेक्ट जो है इकट्ठे रहेंगे इस तरह से जुड़े हुए एक ही ग्रुप में, ठीक है? अब राइट क्लिक करके सेम वैसे ही इसको हम अनग्रुप कर सकते हैं, अनग्रुप। ठीक है, अलग हो गए हैं, ये अलग है और ये अलग है। फिर से इन दोनों को इकट्ठे कर देते हैं, डबल क्लिक किया, इकट्ठे सेलेक्ट किए, और अब इसके बाद हमें ये चाहिए बीच में से, ठीक है, एक बर्ड चाहिए बीच में से। तो इसको थोड़ा सा हम यहाँ पे इस तरह से एडजस्ट कर लेते हैं। अब इसके बाद इसको सेलेक्ट किया, उसके बाद हमने इंटरसेक्ट टूल का यूज़ करके ये इंटरसेक्ट, ठीक है, अभी बीच में बच गई और ये वाले पोर्शन जो है मैंने डिलीट कर दिए यहाँ से, ठीक है? अब यहाँ पे एक और क्लिक करना है इसके ऊपर, फिर ये जो सर्कल बन रहा है बीच में इसको हमें लेके आना है नीचे, ठीक है? अब यहाँ पे क्लिक करके इस तरह से इसको और रोटेट करना है और फिर माउस का राइट बटन क्लिक कर देना है, ठीक है? और उसके बाद कंट्रोल प्लस आर प्लस करके इसको रोटेट करना है, इस तरह से बहुत सारी जो बर्ड्स हैं क्लोनिंग हो जाएगी इनकी, ठीक है, डुप्लीकेट हो जाएंगे। तो अभी ये जितनी भी बर्ड्स हैं इसकी, ठीक है, फूल की जितनी भी बर्ड्स हैं ये सारी की सारी अभी देखो अलग अलग हैं। तो मैं इसको ना कलर कर देता हूँ, डबल क्लिक किया सारा सेलेक्ट हो गया, ठीक है, इसमें हम कलर कर देते हैं, ये वाला कलर कर देते हैं या ये वाला कलर कर देते हैं, ठीक है? अब यहाँ पे अगर हम देखें ना तो ये हर एक ऑब्जेक्ट जो है वो अलग अलग है। जब मान लो हमने इसको मूव ही करना हो, इधर उधर एडजस्ट ही करना हो, या सिंगल सिंगल बड के ऊपर काम करना हो, या इकट्ठा इसके ऊपर काम करना हो, मतलब कि इसकी इसमें एडिटिंग करनी हो, मूविंग करना हो इसको, तो वो हम इकट्ठा नहीं कर पाएंगे, तो हमें जरूरत पड़ जाती है इसको ग्रुप करने की, ठीक है? अब मैं अंडू कर रहा हूँ इसको, ठीक है, ये सारे का सारा मैंने अंडू कर दिया। अब मैंने इसको फिर दोबारा सेलेक्ट किया पिक टूल से, ठीक है, पिक टूल सेलेक्ट किया, यहाँ पे राइट क्लिक किया और मैंने इसको
यहाँ पे ग्रुप कर दिया। ठीक है, अब इसको जैसे मर्जी मूव कर लो, अभी स्कैटर भी नहीं होगा। जैसे जैसे एक बर्ड जो है वो स्कैटर्ड हो रही थी, है ना, डिटैच्ड हो रही थी इसमें से। ठीक है, अब ये इकट्ठा है, सेम वैसे ही इसको अनग्रुप ऑल करके या अनग्रुप करके अलग कर सकते हैं। यहाँ पे क्लिक किया, अब फिर से सिंपल 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 हर एक ऑब्जेक्ट को हम अलग अलग कर सकते हैं। ठीक है, तो इसलिए हमें जरूरत पड़ती है ग्रुपिंग की। चलिए अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 15 है, हाउ कैन बी लॉक एंड अनलॉक ऑब्जेक्ट। वी कैन, हाउ वी कैन लॉक एंड अनलॉक ऑब्जेक्ट्स, एक्सप्लेन। लॉकिंग ऑब्जेक्ट प्रिवेंट देम फ्रॉम मूविंग, साइजिंग एंड मोडिफाइंग। अब देखो ना, अगर ऑब्जेक्ट को हम लॉक कर देते हैं तो उसकी मूविंग, उसका साइज बढ़ाना, उसको मॉडिफाई करना, उसका कलर वगैरह चेंज करना, ये सारे के सारे जो है वो लॉकिंग से प्रिवेंट हो जाते हैं, मतलब लॉक हो जाएगा ऑब्जेक्ट। ये सारे काम नहीं कर पाएंगे, ना तो मूव कर पाएंगे, ना तो उसका साइज बढ़ा पाएंगे, ना तो उसमें कलरिंग वगैरह एडिटिंग वगैरह कुछ नहीं कर पाएंगे। ठीक है, टू लॉक एंड अनलॉक ऑब्जेक्ट स्टेप्स, ऑब्जेक्ट को लॉक करने के लिए अगर स्टेप्स दिए हुए हैं। टू लॉक ऑब्जेक्ट्स, सेलेक्ट द ऑब्जेक्ट और ग्रुप ऑफ ऑब्जेक्ट विद पिक टूल दैट यू वांट टू लॉक। नाउ राइट क्लिक ऑन सेलेक्टेड ऑब्जेक्ट एंड सेलेक्ट लॉक ऑब्जेक्ट कमांड। ठीक है, सेलेक्टेड ऑब्जेक्ट विल बी लॉक्ड। सेम जैसे ही हमने ग्रुपिंग की थी, लॉकिंग भी सेम वैसे ही करेंगे। जो भी ऑब्जेक्ट है, मान लो देखो ये है अभी यहाँ पे, मैं अनडू कर रहा हूँ इसको। ठीक है, ये अभी देखो, अभी तो ये अनलॉक है। ठीक है, अगर मान लो अभी हमने इसका कलर चेंज करना है तो चेंज कर सकते हैं। ठीक है, इसको मूव करना हो तो ग्रुप करके, ठीक है, इसको मूव कर सकते हैं, सारे काम हो रहे हैं। ठीक है, अब हम क्या करते हैं, राइट क्लिक करते हैं, राइट क्लिक ऑन द सिलेक्टेड ऑब्जेक्ट्स एंड सेलेक्ट लॉक। ये देखो, ग्रुपिंग अनग्रुपिंग भी यहाँ पे रहती है और लॉकिंग वाली ऑप्शन भी यहाँ पे रहती है। ये देखो, ऑब्जेक्ट हो गया हमारा लॉक। अब इधर उधर करना कुछ नहीं कर सकते, ना तो इसका कलर चेंज कर सकते हैं। ये देखो, कलर भी चेंज नहीं होगा इसका, समझ गए। तो लॉकिंग का काम होता है ऑब्जेक्ट को प्रिवेंट करना फ्रॉम मूविंग, साइजिंग एंड मॉडिफाइंग। अब सेम स्टेप्स जैसे लॉकिंग के थे, सेम वैसे ही अनलॉकिंग के। राइट क्लिक ऑन सेलेक्टेड ऑब्जेक्ट दैट यू वांट टू अनलॉक, नाउ सेलेक्ट अनलॉक ऑब्जेक्ट कमांड, द ऑब्जेक्ट विल बी अनलॉक्ड। ठीक है, राइट क्लिक करेंगे, अनलॉक, ये ऑब्जेक्ट फिर से खुल गया। अब इसमें सेम जैसे जैसे मर्जी कलर चेंज कर लो, एडिटिंग कर लो, मूव कर लो, इसका साइज बढ़ा लो, मर्जी है। ठीक है, तो ये थे लॉक एंड अनलॉक ऑब्जेक्ट। अब नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाउ कैन बी इम्पोर्ट एंड एक्सपोर्ट फाइल्स फ्रॉम कोरल ड्रॉ। कोरल ड्रॉ में से हम फाइल्स को कैसे इम्पोर्ट और कैसे एक्सपोर्ट कर सकते हैं, इम्पोर्ट करना, आयात निर्यात करना जैसे बोलते हैं। ठीक है, इम्पोर्ट करना मतलब किसी फाइल को ओपन करना, लाना, ठीक है, आयात करना, और एक्सपोर्ट मतलब फाइल को सेव करना। सेम वैसे ये जैसे ओपन और सेव होते हैं, इम्पोर्ट मतलब ओपन कर लिया और एक्सपोर्ट मतलब उसको सेव कर लिया, दोनों की अलग अलग वैल्यूज है लेकिन। ठीक है, ओपन और सेव है इसकी अपनी जगह पे और इम्पोर्ट और एक्सपोर्ट की अपनी जगह पे है। ठीक है, तो फाइल को कैसे इम्पोर्ट करना है, टू इम्पोर्ट फाइल इन कोरल ड्रॉ द स्टेप्स आर, क्लिक ऑन फाइल मेनू, उसके बाद इम्पोर्ट पे सेलेक्ट क्लिक करेंगे, चूज द फाइल फॉर्मेट फ्रॉम द फाइल ऑफ टाइप लिस्ट बॉक्स, नाउ सेलेक्ट द फाइल दैट यू वॉन्ट टू इम्पोर्ट, क्लिक इम्पोर्ट, नाउ क्लिक ऑन ड्रॉइंग पेज वेयर यू वॉन्ट टू ड्रॉ। ठीक है, तो इम्पोर्ट करने के लिए हम कैसे करेंगे, जैसे मान लो हमने यहाँ पे कोई इमेज वाली फाइल डाल ली है, जिससे हमने लास्ट डे भी यहाँ पे इंपोर्ट की थी फाइल, इंपोर्ट पे गए, यहाँ पे ऑल फाइल फॉर्मेट भी हैं। मान लो जो फाइल, पर्टिकुलर फाइल हमें चाहिए तो वही फाइल हम यहाँ पे सिलेक्ट करेंगे। ठीक है, जैसे मान लो GIF चाहिए तो GIF ही आएंगी फिर। ठीक है, फिल्टर लग जाएगा एक तरह से, लेकिन मान लो कि सारी फॉर्मेट की फाइल चाहिए तो यहाँ पे देखो, यहाँ पे सारे के सारे फॉर्मेट में होगी, चाहे GIF हो, चाहे वेक्टर, ये CDR की भी फाइल डिस्प्ले कर रहा है। इम्पोर्ट पे क्लिक किया और हमने यहाँ पे इसको ड्रॉ कर दिया। तो ये है इम्पोर्ट का काम, और एक्सपोर्ट का काम फाइल को सेव करना, किसी भी फॉर्मेट में सेव कर लो फिर इस फाइल को, ये जो बना रहे हैं। ठीक है, फाइल पे गए, सेम वैसे ही इम्पोर्ट के नीचे एक्सपोर्ट है, एक्सपोर्ट पे गए और यहाँ पे फाइल का सेव टाइप, जिस फॉर्मेट में आप लोगों ने फाइल को सेव करना है, GIF में कर लो, चाहे JPG में कर लो। मैंने हमारी फाइल और इसको मैं डेस्कटॉप के ऊपर ही सेव कर रहा हूँ, एक्सपोर्ट।
अब यहाँ पे GIF में बोल रहा है सेव करने के लिए, ठीक है, ट्रांसपेरेंट बैकग्राउंड में सेव करनी है या विद इन बैकग्राउंड में सेव करनी है। तो ठीक है, 256 है और इसका जो साइज़ है वो भी हम कम कर सकते हैं, यानी कि क्वालिटी बढ़िया रखनी है तो साइज़ जो है इसका ज़्यादा रख लो, चाहे MB में रख लो उसका साइज़, ठीक है। और ओके करके अब देखते हैं डेस्कटॉप पे, ये आ गई यहाँ पे, ठीक है, ट्रांसपेरेंट बैकग्राउंड में है ये, देखो, ठीक है। तो ये देखो ओके डिस्प्ले है। तो इस तरह से हम फाइल को इंपोर्ट और एक्सपोर्ट कर सकते हैं, ठीक है। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 17 पे। हाउ कैन वी डुप्लीकेट एन ऑब्जेक्ट, ऑब्जेक्ट को हम कैसे डुप्लीकेट करेंगे, ठीक है, ऑब्जेक्ट की डुप्लीकेसी कैसे करनी है, सेम ऑब्जेक्ट कैसे बनाना है। द स्टेप्स टू डुप्लीकेट एन ऑब्जेक्ट आर, सिलेक्ट द ऑब्जेक्ट विद पिक टूल, ऑब्जेक्ट को सिलेक्ट करेंगे पिक टूल के साथ, क्लिक ऑन एडिट मेन्यू, उसके बाद एडिट मेन्यू पे क्लिक करेंगे और एंड सेलेक्ट डुप्लीकेट ऑप्शन, और डुप्लीकेट ऑप्शन को सेलेक्ट करेंगे। सर इसके लिए शॉर्टकट कमांड भी है, Ctrl+D, ठीक है। ऑब्जेक्ट की डुप्लीकेसी हो जाएगी, मतलब उसकी क्लोनिंग हो जाएगी, द ऑब्जेक्ट विल बी डुप्लीकेटेड। देखो यहाँ पे प्रैक्टिकली जैसे मान लो ये है ऑब्जेक्ट, ठीक है, इसकी एक और कॉपी बनानी है, इसको डुप्लीकेट करना है, Ctrl+D से भी हो जाएगा। ये देखो ये Ctrl+D मैंने प्रेस किया और इसकी एक और डुप्लीकेट हो गया यहाँ पे। अब यहाँ पे भी एक तरीका ये है कि एडिट मेन्यू पे जाओ और यहाँ पे भी ये डुप्लीकेट कमांड है, तो इस तरह से ये डुप्लीकेट कॉपी का और तैयार हो गया। इसकी भी डुप्लीकेट करना है, इसको भी डुप्लीकेट कर Ctrl+D से भी कर सकते हैं इस तरह से, ये ठीक है। ऑब्जेक्ट को कैसे डुप्लीकेट करना है, तो ये भी हमारा कंप्लीट हो गया। अब क्वेश्चन नंबर 18 है, व्हाट इज लोगो, लोगो क्या है। लोगो इज ए ग्राफिक और आइकन ऑफ ब्रांड और ट्रेडमार्क, ठीक है। लोगो तो मैंने शुरू में बता दिया था कि फोर ड्रॉ का जो मेन पर्पज होता है ना, तो लोगो को बनाना होता है, किसी भी कंपनी का ब्रांड है, जैसे जियो का है, एयरटेल का है, वोडाफोन का है, या टीवी के ऊपर जो न्यूज चैनल्स आते हैं, या जो भी एंटरटेनमेंट चैनल है, मूवीज चैनल है, उनके जितने भी लोगोस बने हुए हैं, सारे के सारे लोगोस बनते हैं कोरल ड्रॉ के अंदर, ठीक है। तो क्वेश्चन नंबर 18 हमारे कंप्लीट हो गया, चैप्टर में टोटल इतने ही क्वेश्चंस थे, हमारा एनिमेशन का काम बचता है कोरल ड्रॉ में, वो भी कंप्लीट कर लेंगे। तो आज के लिए इतना ही काफी था, कल फिर नए कॉन्सेप्ट के साथ मिलेंगे, तब तक घर में रहें, सुरक्षित रहें, जय हिंद जय हिमाचल।